नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूँ आपके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो एग्ज़ाम 2016 के अंदर आया हुआ है तो मेरे को पता है कि आप लोगों ने यूट्यूब पे सर्च किया है हिंदी और इंग्लिश मिक्स नोट्स और इनके एंसर वगैरह नहीं मिले लेकिन हम आपको आंसुर दिखाएंगे और किस तरह से आपको एम के अंदर लिखना होता है कैसे अपना जो मार्क्स है बढ़ा सकते हैं सारी की सारी जो बातें मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर ठीक है तो आप लोग ध्यान से सुनना सारी बातें और हमारे जो नोट्स हैं वो भी देखना आप लोग तो चलिए शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले हमें एक ही बात कहेंगे अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तभी लाइक करना अगर नहीं लगे तो डिसलाइक करके चले जाना ठीक है थोड़ा सा ध्यान से देखना है तो देखो ये पेपर है जो इंटरनल जो इस के मतलब जो इंटरनल चॉइस होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पेपर बनाया गया है तो आपको किस तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना वो सारा का सारा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जी तो चलिए शुरू करते हैं तो यूनिट फेस्ट के अंदर किस तरह से ये क्वेश्चन आया है वो देखो यहाँ पे देखा है कि अटैम्प्ट ऑल फाइव क्वेश्चन इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइड ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क ठीक है तो यूनिट फेस्ट की बात करते हैं किसकी यूनिट की तो जब सब सबसे पहले ये पूछा गया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है उसकी परिभाषा पूछी आपसे तो बड़ा इजी क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है तो भाई आप पढ़ रहे हो स्पेक्ट्रोस्कोपी और आपको पता नहीं है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है तो ये इसकी लैंग्वेज आपको बतानी है यानी इसकी डेफिनेशन बतानी है आपको डिफाइन करना है इसको ठीक है अब दूसरी बात करते हैं इसमें क्वेश्चन आया कि डिफरेंस बिटवीन द फ्लोविंग तो इसमें अंतर बताना है कि रिफ्लेक्शन एंड रिप्लेक्शन में क्या अंतर होता है वो बताओ दूसरा क्या है ऑब्जर्वेशन एंड इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है इन दोनों के बीच में अंतर बताओ तीसरा क्या है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी एंड ट्रांजिशन मोमेंट इसमें अंतर बताओ तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने मार्क्स के होने वाले हैं तो भाई अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उनको भी पता चलें ठीक है अब आगे देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या पूछा है इनके अतवा में कि व्हाट इज मींट बाई इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर तो ये क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर तो अब इनके आंसर देख जाते देते हैं आपकी उसके बाद दूसरा है एक्सप्लेन द जो रूल्स इनके बारे में बताना है कौन सा रूल इस तरह के, क्यूशन आते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ठीक है समझ में आ रही है मेरी बातें सारे के सारे तो ये तो हमने बात कर ली हमारे यूनिट फेस्ट के क्वेश्चंस की तो इनके किस तरह से आंसर देने होते हैं क्या है वो सारी चीजें हम देख लेते हैं तो देखो ये हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की है तो यहाँ पे दे रखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की रेडिएसन क्या होती है किसने दिया था तो, तो स्पष्ट तौर पर दे रखा है कि मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है वो मैटर के अध्ययन से हमें समझा जा सकता है एक हाई फ्रिक्वेंसी डालेंगे उस मैटर के ऊपर तो वो क्या करेंगे एक रेडिएट हो रही होती है तो लाइट की जो स्पीड है वो गति कर रही है इस तरह से आपको बताना पूरा हिंदी और इंग्लिश मिक्स नोट्स हैं इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। देखो इस तरह से ये भी लोग में सही नहीं दिख रहा होगा लेकिन आप लोग देख सकते हैं थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लेना तो ये सारे के सारे इस तरह से इस नोट्स में हमने समझा रखा है पूरा का पूरा डिटेल टू डिटेल सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी जी तो ये चीज़ें मैंने बता दी है अगर आप ये देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है रिफ्लेक्शन के बारे में बताना है और उसके बाद में क्या है जब कोई लाइट रे वेव से अदर मीडियम की सरफेस से टकराती है तो वापस उसी फिनोमेना रिफ्लेक्शन जाता है उसको ये कहते हैं तो ये सारी की सारी आपको नोट्स में बताई गई है बातें के बातें सारी समझ में आ भी आ रही होगी ये ट्रांज ट्रांसमिशन होता है तो ये इनके आंसर सारे के सारे दे रखे हैं जी अब हम बात करते हैं हमारा दूसरे यूनिट की ठीक है चलो जी दूसरी यूनिट की ओर हम चलते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देख लो अब आपके सवाल मतलब दिमाग में ये कहेगी कि हमें इतना टाइम नहीं है इनके आंसर तो आप लोग जानना चाहोगे कि भाई ये नोट्स कैसे मिलेंगे तो आपको मोस्टली अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि हमारे जो नंबर है वो ये है नब्बे सत्तावन सत्तर पंद्रह पैंतालीस तो आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ग्रुप थ्योरी इन सब के नोट्स हम प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का बच्चा क्यों ना हो तो अगर आप लोगों के पास कुछ भी मटेरियल नहीं है एग्जाम पास में है घबरा रहे हैं तो आपको डरने की कोई बात नहीं है बस हमसे संपर्क करें आपकी पूरी हेल्प की जाएगी ठीक है जी तो अब हम चलते हैं आगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बताते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है तो अगला जो क्वेश्चन आया है वो है यूनिट सेकंड से उसमें आप यहाँ से पूछा गया कि क्लासिफाई यानी वर्गीकृत करना है डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विथ एग्जांपल तो अलग अलग प्रकार के जो मॉलिक्यूल है उनको वर्गीकृत करना है साथ में उनके एग्जांपल बताना है वो पूछा गया है दूसरा क्या पूछा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग तो इनकी आपको एक्सप्लेन करना होता है क्या एक्सप्लेन करना है वो देख लो जी क्या आइसोटोपी के सब शूटेशन क्या होता है रिजिट रोटेटर मॉडल क्या होता है न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पिनस क्या होती है तो ये सारे के सारे आपके एग्जाम की दृष्टि से सौ परसेंट आने की संभावना है इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा अब दूसरी बात करते हैं हम इनके अथवा वाले क्वेश्चन की ठीक है जी तो वो क्या पूछा है वो देखो कि राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी तो आपको इसका जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये क्यों महत्वपूर्ण है इनके बारे में आपको बताना है पूरी डिटेल टू डिटेल ठीक है उसके बाद में पूछा दूसरा कि डिस्कस द फॉलोइंग इन माइक्रोस्पेक्ट्रोस्कोपी तो इसके बारे में बताओ कि क्या कि डिस्कस करना है मतलब इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं इनके अपलिकेशन क्या होते हैं स्टार इफेक्ट क्या होते हैं वो सारी की सारी बातें आपको डिस्कस करनी है इस दूसरे जो ये जो जो ये यूनिट है है उनके बी पार्ट है, इनका बताना है आपको अब बात करते हैं हम यूनिट थर्ड की तो थर्ड में जो देखो यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाले मैं बता देता हूँ आपको कहा जा रहा है भाई वापिस बहुत जा रहा है यार पीछे चला जा रहा है सॉरी गाइज अब देखो यहाँ पे ये जितने भी दे रखे हैं ना ये इन क्वेश्चनों को आप प्लीज़ रिक्वेस्ट के साथ कह रहा हूँ आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छा होने वाला है इम्पोर्टेंट है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से ये सारे के सारे ठीक है ना ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के सौ परसेंट आने की संभावना है जी तो जो पीछे एग्जाम लगे उन बच्चों के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यूनिट थर्ड में उसमें क्या पूछा वो देख लो जी एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी तो यहाँ पे एक्सप्लेन किसके लिए पूछा गया है आर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए पूछा है दूसरा पूछा है डिफरेंस द फ्लोविंग इन आई आर तो इसमें इन पूछा है किस किस में एक तो नियर एंड फार आई रेंज होती है एक तो पास वाली जो रेंज है एक दूर वाली रेंज है इनमें क्या अंतर होता है वो आपको बताना है दूसरा क्या पूछा है एक तो वाइब्रेशनल होता है एक दूसरा रोटेशनल मोड होता है इनमें क्या अंतर है? वो बताना है तो ये जो अंतर वाले क्वेश्चन है ना ये आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं और इनको आपको आना चाहिए दूसरा क्या पूछा है वो देख लो तो दूसरा ये पूछा कॉम्बिनेशन एंड डिफ्रेंसन मोड के आते हैं उनके बारे में पूछा है कि भाई किस तरह से कॉम्बिनेशन एंड डिफरेंस मोड है वो क्या होता है वो पूछा गया और क्या पूछा है इनके अथवा में वो देख लो बट ये कहूँगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इनको नोट कर लीजिएगा आप लोग और इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और फिर से ये बोलूँगा कि अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है तो मेरे से संपर्क कीजिएगा आप ठीक है अब आगे क्या है तो अथवा वाले वो देख लो तो राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ जीरो पॉइंट एनर्जी तो यहाँ पे आपको जीरो पॉइंट एनर्जी को यहाँ पे बस समझाना है ठीक है उसके बाद में क्या पूछा एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी तो यहाँ पे पूछी गई है आपकी आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी का पी क्यू आर ब्रांच और बॉन्ड्स और मोर्स पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम तो ये इम्पोर्टेंट तो आपके एग्जाम की दृष्टि से तो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की एग्जाम होने वाली है या मतलब हो गई है तो आप लोग इन अगर हो गई है तो मेरे को उसका पेपर जरूर भेजना कि ये आपके ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं या नहीं आए जरूर जरूर भेजिएगा ठीक है अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ यूनिट की उसमें क्या है वो देखो तो उसमें ये पूछा है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी तो आपको रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पता होना चाहिए क्या होती है वो सारी की सारी इंपोर्टेंस इसके बारे में बताना है क्या काम आती है इंपोर्टेंस का मतलब ये क्या काम आती है रेमन स्पेक्ट्रोस्कोपी तो वो बताना है ठीक है उसके बाद में क्या डिस्कस द इन स्पेक्ट्रोस्कोपी तो यहाँ पे आपको डिस्कस करना है इसमें क्या क्या डिस्कस करना है वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल रेमन स्पेक्ट्रा क्या होती है क्या है एग्जुलेन प्रिंसिपल क्या होता है एक सी ए आर सो ये इंपॉर्टेंट है जी सो परसेंट इम्पोर्टेंट तो आपके एग्जाम दृष्टि से ये क्वेश्चन आने की सौ प्रतिशत संभावना है उसके बाद में इनके अथवा वाले क्वेश्चन की आई आर एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी।, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या अंतर होता है इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है वो बताना है तो ये इंपॉर्टेंट आपको पता होने से आई आर क्या होती है ठीक है उसके बाद में क्या पूछा एक्सप्लेन द फ्लोविंग इन रमन एस्पेक्ट्रोस्कोप तो इसमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक्सप्लेन करना है जिसमें आपको क्लासिकल थ्योरी पता होनी चाहिए कमेंटम थ्योरी पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए इसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं रमन रिजो ने इन रमन स्पेक्ट्रोस इनको हम आरआर के नाम से भी बोलते हैं ना आरआर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ठीक है जी अब हम बात करते हैं हमारी जो फोर्थ फाइव्थ यूनिट है उनकी उसमें क्या पूछा है वो देखो तो राइट अपलिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम से ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पूछा है उसके बाद में डिफ्रेंशिएटिव वाले क्वेश्चन वाई यहाँ पे डिफ्रेंसिव टाइप क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं तो रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव डिकेज क्या होते हैं स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड लिथियम एटम क्या होते हैं इंटरनल कन्वर्जन एंड सिस्टम क्रॉसिंग तो इन दोनों के बीच में आपको डिफ्रेंशियन बताना है यानी इनके मध्य में क्या क्या अंतर होता है तो दोनों के अंतर आप जरूर पढ़ के जाइएगा उसके बाद में हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो अथवा के हैं उसमें ये पूछा डिफरेंशियंस बिटवीन एटोमिक एंड मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी फिर से वो क्वेश्चन आ गया इस बार क्या पूछा परमाणु और आणवी के एस्पेक्ट्रोस्कॉपी के अंदर अंतर बताना है उसके बाद में आपका इम्पोर्टेंट टू इंपोर्टेंट आता है वो क्या है वो देखो तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है फ्रेंकंडोन प्रिंसिपल उसके बाद में चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता है वेक्टर मोमेंट एंड कंपनी क्या होती है वो ये पूछा गया है तो ये इन क्वेश्चनों के आंसर भी आप लोगों को जल्द ही देखने को मिलेंगे अगर आपके एग्ज़ाम पास में हैं आपके पास में कुछ भी मेटेरियल नहीं है तो आप मतलब परेशान हो रखे हैं मेरे को पता है कि आप घबरा रहे हो कि मैं कैसे करूँगा मैं कैसे पढ़ूँगा क्योंकि ये मेरे को पता है कि आप पी के अंदर क्या होते हैं बच्चा इंग्लिश से डर जाता है इंग्लिश से ऐसे डर जाता है कि हम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और इंग्लिश से हम मतलब कोई चीज़ को याद करते हैं तो हमें कुछ भी याद नहीं होती है तो इसीलिए हमने क्या किया है कि जो नोट्स हैं उनको हिंदी और इंग्लिश मिक्स बना के लिखें जिसमें आपको आराम से आप लिख सकते हैं एग्जाम में अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अगर आप नोट्स लेना चाहें तो हमसे आप परचेज़ कर सकते हैं नंबर एक बार फिर से बता देता हूँ यह नंबर है नब्बे सत्तावन सत्तर पंद्रह पैंतालीस तो आप इन नंबर पे हमें व्हाट्सअप पे मैसेज या कॉल जो भी है वो कर सकते हैं आपकी पूरी सौ परसेंट हम हेल्प करेंगे और आपका जो भविष्य वो उज्जवल होगा तभी जब आप अच्छा स्कोर करेंगे जब आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक करें इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चाहते हैं जिस सब्जेक्ट का चाहते हैं वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और आज का ये आपको कैसा लगा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा क्योंकि उनका भी भला हो जाए और नोट्स के लिए ज़रूर संपर्क गेजें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू